हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता दूं जो आपके आसपास है पर आपने सोचा नहीं। सो हैव यू थॉट ऑफ साइंस फ्रेंड्स? एक ऑटोमोबाइल के ट्रांसमिशन सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिफरेंशियल गियर्स। ये इसको टर्न लेने के समय असिस्ट करती है। ये रियर एक्सल में लगा होता है और टर्न लेने के समय दोनों व्हील्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है। पर ट्रेन्स के एक्सल में देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता। सो हैव यू थॉट कि ट्रेन्स को टर्न लेने में क्या हेल्प करता है? जब भी कोई व्हीकल टर्न लेती है तो उसका इनर व्हील कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्योंकि उसका रेडियस ऑफ टर्निंग कम है, और आउटर व्हील्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है क्योंकि उसका रेडियस ऑफ टर्निंग ज़्यादा है। डिफरेंशियल गियर दोनों व्हील्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी भी प्रोड्यूस करती है जिससे दोनों डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें इन सेम टाइम। पर ट्रेन्स का क्या? वेल, इसका आंसर इसके डिजाइन ऑफ ट्रैक्स और इसके व्हील्स के डिजाइन में। अगर व्हील्स को देखें तो इसका टॉप सरफेस कभी भी फ्लैट नहीं होता, ये थोड़ा टेपर बनाया जाता है और इसे एक कॉनिकल प्रोफाइल दिया जाता है। उसी तरह अगर ट्रैक्स की बात करें तो ट्रैक्स का टॉप सरफेस भी कभी फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा सा कर्व होता है जिसको हम क्राउनिंग ऑफ ट्रैक्स कहते हैं। अब ये दोनों छोटे छोटे डिजाइन चेंजेस से ट्रेन्स को हेल्प कैसे होती है टर्निंग में, आइए हम ये देखते हैं। जब भी ट्रेन सीधे रास्ते पे चल रही है तो उसके व्हील्स का अप्रोक्सीमेटली मिडिल पोर्शन ट्रैक्स के क्राउनिंग पार्ट से कॉन्टैक्ट में रहता है। ये बहुत ही छोटा कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम पॉइंट कॉन्टैक्ट मान सकते हैं। जब ट्रेन कर्व में चलती है या टर्न लेती है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका पूरा व्हील शिफ्ट करता है, तो आउटर व्हील जो होती है उसका लार्जर एंड वाला जो एंड है वो ट्रैक से कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसका रेडियस बन जाता है कैपिटल R। और इनर व्हील्स का स्मॉल रेडियस वाला जो एंड है वो ट्रैक से कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसका रेडियस बन जाता है स्मॉल R। अब दोनों व्हील्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से चलती है लेकिन उनकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब क्योंकि आउटर व्हील्स की रेडियस ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और इनर व्हील्स की कम हो जाती है, इसलिए हमें एक रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाता है ट्रेन टर्न करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।